अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला होता आज त्याच्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एक प्रकारे मोहर उमटवलेली आहे आणि ज्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिलेला आहे मी असं म्हणेन की आज भारताचा विजय झालेला आहे, जम्मू काश्मीरच्या लोकांचा विजय झालेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने ज्या 370 मुळे जम्मू काश्मीर हे विकासाचा आगार व्हायच्या ऐवजी दहशतवाद्यांचा आगार झालं होतं, आज खऱ्या अर्थाने 370 रद्द केल्यानंतर दहशतवादही कमी झाला, विकासही मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि आता तर 370 पुन्हा येण्याची शक्यता पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाने संपवल्यामुळे एक नवीन पहाट ही आता जम्मू काश्मीरमध्ये झाली आहे असं जर आपण म्हटलं तर ते वावग ठरणार नाही। यातनं जम्मू काश्मीरच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आणि एक संघ भारत, भारत एक संघ होताच पण कोणाच्या मनामध्ये जर यत्किंचित शंका असेल तर ती शंकाही आज संपलेली आहे आणि एक संघ भारत हा आजच्या निर्णयाने प्रस्थापित झाला आहे। म्हणून मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील आभार मानतो। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला दिवस होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया हुआ फैसला 370 को हटाने का, इसको वैध ठहराया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नई शुरुआत, एक नई सुबह हुई है। वैसे भी जिस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संसद ने इसको हटाने का निर्णय लिया उसके बाद हमने यह देखा लगातार आतंकवादी घटनाएं कम होती गई, विकास बढ़ता गया और जिस प्रकार से टूरिज्म के माध्यम से वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ वो भी देखने लायक है। ऐसे में आज का फैसला ये मील का पत्थर साबित होगा और किसी के मन में भारत की एकता और अखंडता के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में यत्किंचित भी शंका होगी तो आज उस शंका को भी समाप्त करने का काम ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ है और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर ये बहुत बड़े पैमाने पर वहां के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला राज्य बनेगा। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भारत का मुकुट ये जम्मू कश्मीर है, ये मुकुट निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चमकेगा और धमकेगा। पहली गोष्ट तर अशी आहे की पाकव्याप्त काश्मीर हे भारतामध्ये आलं पाहिजे ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे आणि मला विश्वास आहे आम्ही तर अखंड भारतावर विश्वास ठेवणारे लोक आहोत। त्याच्यामुळे जे असंभव वाटत होतं त्या गोष्टी मोदीजींनी संभव केलेल्या आहेत। म्हणून मला असं वाटतं की आपण येत्या काळाची वाट बघितली पाहिजे। सर, उद्धव ठाकरे असं देखील म्हणाले की काश्मीर सोडून पंडित गेलेले आहेत त्यांना परत आणण्याची गॅरंटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेतील का? पहिल्यांदा तर इतके वर्ष हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे